हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द गुरुजी की पाठशाला। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एयू बैंक अल्टुरा प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस क्रेडिट कार्ड का रिव्यू भी करेंगे और साथ में अनबॉक्सिंग भी करने वाले हैं। अब बात करेंगे इसके फीचर्स कैसे, बेनिफिट कैसे और कार्ड में आपको क्या क्या साथ में मिलता है, तो वीडियो के एंड तक बने रहे, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और लास्ट में मेरा ओपिनियन भी मिल जाएगा। बात करते हैं वेलकम ऑफर से। इस कार्ड में आपको मिलेगा वाउचर वर्थ 500 रुपीज का, जिसमें आपको मिनिमम 10,000 रुपीज स्पेंड करने 60 डेज में, तो आपको 500 रुपीज का वाउचर मिल जाएगा। कैशबैक बेनिफिट की बात करूं, जिसमें आपको मिलेगा 1.5% का कैशबैक ऑन ऑल रिटेल स्पेंड, मर्चेंट आउटलेट पे किया जाना चाहिए, जिसमें आपको मैक्सिमम 100 रुपीज पर मंथ मिलेगा और उसके बाद आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। रिवॉर्ड पॉइंट की बात करूं तो आपको 2x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे ऑनलाइन रिटेल स्पेंड 100 रुपीज पे। माइलस्टोन की बात करूं तो आपको हर मंथ 500 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। अगर आप हर मंथ 20,000 के अबव का स्पेंडिंग करते हैं तो आपको हर मंथ 500 रिवॉर्ड पॉइंट अलग से एज अ बोनस रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे। आपको साथ में रेलवे लॉन्च एक्सेस भी मिलेगा। आपको कॉम्प्लीमेंट्री पर क्वार्टर 2 रेलवे लॉन्च एक्सेस मिलेंगे, जिसमें न्यू दिल्ली, कोलकाता में सियालदा, जयपुर, अहमदाबाद, आगरा, ये सारे एयरपोर्ट पे आप लॉन्च एक्सेस भी कर सकते हैं। इस कार्ड में आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलेगा, 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू 400 से 5,000 के बीच में होनी चाहिए। इसमें आप मैक्सिमम पर स्टेटमेंट साइकिल 150 रुपीज तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर ले सकते हैं। रिवॉर्ड रिडेम्पशन की बात करें तो इसका नाम रखा गया एयू रिवॉर्ड्स, जिसमें आप ई वाउचर्स, जो टॉप ब्रांड है वहाँ, मर्चेंडाइज, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, इतने सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं एयू रिवॉर्ड को रिडीम करने के लिए। इसमें एक बात और है, आपको रिवॉर्ड रिडीम करने के लिए कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। इस कार्ड में आपको कार्ड लाइबिलिटी कवर भी मिल जाता है। अगर आपका कार्ड कहीं गुम हो जाता है, आप कस्टमर केयर में जाके बता देते हो या कॉल करके बता देते हो, तो उसके बाद जो भी कोई फ्रॉडुलेंट या कोई ट्रांजेक्शन होता है तो जिसकी लाइबिलिटी आप पे नहीं आएगी। अब बात करते हैं फीस एंड चार्जेस की, तो इस कार्ड की फीस है 499 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस। आपको एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस सेम रहेगी, बट अगर आप फर्स्ट ईयर 20,000 स्पेंड कर देते हो विद इन 90 डेज, तो आपको कार्ड की जो वैल्यू, कार्ड की फीस है वो वे ऑफ हो जाएगी। और सेकेंड ईयर से अगर आप 80,000 रुपीज स्पेंड कर प्रीवियस ईयर आप 80,000 स्पेंड करते हो, तो आपकी जो ज्वाइनिंग सेकेंड ईयर की फीस भी वे ऑफ हो जाएगी। अब बात करते हैं, ये कार्ड आपको कभी कभार लाइफ टाइम फ्री भी मिलता है। जैसे मेरे को ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिल गया, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपके कार्ड में लिखा आएगा कि आपका कार्ड लाइफ टाइम फ्री है। तो अब चलते हैं अनबॉक्सिंग पे, लास्ट में मेरा ओपिनियन भी शेयर करता हूँ। अनबॉक्सिंग की बात करें तो कुछ इस तरह का आपको कार्ड मिलता है, जिसमें लिखा हो अल्टुरा प्लस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांडिंग, और पीछे कुछ नहीं, प्लेन कवर दे रखा है। इसमें आगे देखते हैं आपको क्या क्या मिलता है। तो आप देख सकते हो, आपको ओपन इट नाउ, यहाँ पे एक अच्छी लाइन भी लिखी हुई है। यहाँ से ओपन करते तो आपको वेलकम किया जाता है, तो ये वेलकम अच्छा लगा मेरे को। अल्टुरा प्लस डिज़ाइन में लिखा हुआ है, बैक साइड एक हेलो मैसेज लिखा हुआ है MDN CEO की तरफ से। ये लेटर है, उसकी बात बाद में करते हैं। और क्या मिला है इस बात करते हैं, तो अल्टुरा प्लस के जो फीचर्स बेनिफिट है वो आप सारे पढ़ सकते हो। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो ज्वाइनिंग फी, माइलस्टोन बेनिफिट, फ्यूल सरचार्ज, एयू रिवॉर्ड, कॉम्प्लीमेंट्री, रेलवे लॉन्च, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो और आप पढ़ भी सकते हो। एक चेकबुक दी गई है क्रेडिट कार्ड की तरफ से, मतलब क्रेडिट कार्ड जैसी चेकबुक का। यहाँ पे कार्ड मेंबर का एग्रीमेंट है, पूरा पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो। या एयू बैंक की मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है क्रेडिट कार्ड रिलेटेड, आपको पढ़ना है स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। आज तक किसी ने पढ़ा नहीं होगा। चार्जेस लिखे हुए हैं क्रेडिट कार्ड के, जो आप देख सकते हो, कितना अगर ड्यू करते हो, कितना पेमेंट करते हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे कार्ड का अलग से सेक्शन दे रखा है, तो आप देख सकते हो अलग से होल्डर देखा दे रखा है, वहाँ पे कार्ड देखने को मिलेगा। तो कार्ड दिखा देता हूँ, फिर मैं मेरी लिमिट भी बताता हूँ। ये कार्ड कुछ इस तरह से देखोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि देख सकते हैं अल्टुरा प्लस, वाईफाई की ब्रांडिंग, वीज़ा प्लेटिनियम की ब्रांडिंग, एयू स्मॉल फाइनेंस की ब्रांडिंग, और पीछे सारे नंबर्स और जो CVV सारे एक्सपायरी डेट पीछे लिखे हुए आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। तो मेरे को अच्छा लगा, प्रीमियम कार्ड की तरह ही लगता है। अल्टुरा प्लस एम्बोस टाइप पे लिखा हुआ है,
आप देख सकते हैं। तो ये है मेन लेटर जिसको इंतजार होता है, जिसमें लिमिट लिखी होती है। इसमें मेरे कार्ड की लिमिट है 1,05,000, ये बहुत अच्छी लिमिट है। और आप देखोगे कार्ड इश्यूएंस डेट 22 जून है और 26 जून को ये कार्ड मेरे को डिलीवर हो गया, मतलब 4 to 5 डेज में आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है और आपको मिल भी जाता है। यहाँ पे सारे इस कार्ड के टर्म एंड कंडीशन, वेलकम बेनिफिट, माइलस्टोन बेनिफिट, एयरपोर्ट लॉन्च, ड्यूल डिलाइट, इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन, कैसे यूज़ करना है, कैसे पिन बनाना है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जिसको यूज़ करके आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं पॉज करके। तो ये था अल्टुरा प्लस क्रेडिट कार्ड। तो ये थी एयू बैंक अल्टुरा प्लस क्रेडिट कार्ड की अनबॉक्सिंग। तो इस कार्ड को अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस कार्ड की एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आपकी एज 21 से 60 के बीच में होनी चाहिए, तभी ये कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। आपके इनकम प्रूफ होना चाहिए, आप सैलरीड होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, तभी ये कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप कार्ड टू कार्ड बेसिस ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस कार्ड में मेरा ओपिनियन। स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये यू स्मॉल फाइनेंस बैंक पहला बैंक है जिसने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। एक कैशबैक एंट्री लेवल कार्ड है तो कार्ड आप ले सकते हैं, अच्छा कार्ड है, इतना बुरा भी नहीं बोल सकते। ये कार्ड मेरे को ऐसे एवरेज लगा, इस कार्ड को आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ये था मेरा ओपिनियन, आपकी कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना, आपको ये कार्ड कैसा लगा। इस वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में तो लेट्स स्टे ट्यून्ड।